हिंद जय भारत। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 करवाए हैं। तीनों डिफरेंट मेथड हैं। 1 जो करवाया उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हैं, और 4 करवाया उसके रिलेटेड 5 एंड 6 हैं, और 7 जो करवाया उसके रिलेटेड 10, 8, 9, 10 और 11 है। नाउ 10 आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, गुजरात बोर्ड की। नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दे दिया है 10, ओके, और आपको यहाँ पे दे दिया है कोवेरियंस एक्स वाई 30, आपको एस एक्स इज इक्वल टू 5, एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, कोवेरियंस आपको एस वाई इज इक्वल टू 12 भी दे दिया है। नाउ अब हमें फार्मूला यूज़ कौन सा करना है? सी द फार्मूला आपको ये यूज़ करना है, कोवेरियंस एक्स वाई इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, यानी आपको कोवेरियंस कितना दिया है? आपको कोवेरियंस दिया है 30, डिवाइडेशन में हमें एस एक्स 5 रखना है और एस वाई हमें 12 रखना है, तो आंसर कितना निकलेगा आपका? 16 निकलेगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 योर आंसर, ओके। सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और आपके लिए फार्मूला थोड़ा नया है, गॉट इट। नाउ हम अब सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन रिगार्डिंग द हाइट एंड वेट फ्रॉम द सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, सो एक्स बार एंड वाई बार। सी एक्स बार एंड वाई बार कहाँ से हैं ये देख लीजिए, बोथ आर इन राउंड फिगर, ओके। सो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको? अभी फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिग्मा एक्स वाई भी दिया है, सिग्मा एस एक्स एंड एस वाई भी दिया है, तो फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द फार्मूला चेंज किया है, द फॉर्मेट इज़ चेंज, ओके। सो ये सारी चीज़ें दे दिए ना, आपको अब करना क्या है? फार्मूला रखना है, और यहाँ पे भी फार्मूला थोड़ा नया है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा एक्स बार माइनस एन सिग्मा एक्स बार इंटू वाई बार रखना है। अब नीचे भी आपको वही रखना है, डिवाइडेशन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई रखना है, ओके। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, अब जो 90,000 है उसको रख दीजिए, उसके आगे आपको करना क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 10 है वो रख दीजिए, और एस एक्स बार आपका 160 है, वाई बार आपका 55 है, डिवाइडेशन में आप नीचे 10 रख दीजिए, और एस एक्स आपका 25 है और एस वाई आपका 10 है। तो 90,000 में से 88,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है, डिवाइडेशन में आपके पास 2,500 ऑलरेडी है, सो 2,000 डिवाइडेड बाय 2,500 आपको आपका आंसर जो भी होगा वो मिल जाएगा। आंसर क्या है अभी आपका? आंसर है आपका 0.8, ओके, गॉट इट। फार्मूला थोड़े बहुत डिफरेंट है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पे आपको फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है, वाई बिकॉज आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 72 है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आपका 32 दिया है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45 दिया है। तो फार्मूला नंबर 1 हम सेटअप करेंगे यहाँ पे, और 45 के डिवाइडेशन में 72 रूट में लिखना है, 32 वो भी रूट में लिखना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन रूट में क्या निकल के आएगा? 2,300 0 एंड 4। अब 2,300 0 4 का रूट निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 48। सो 45 डिवाइडेड बाय 48 आंसर निकल के आपके सामने आएगा 0.49, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 दिया है, सिग्मा एक्स आपको 16 दिया है, सिग्मा वाई आपको 51 दिया है, और सिग्मा एक्स वाई आपको कितना दिया है? 154 दिया है। सो आपको यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 रखना है सेटअप, ओके, और फार्मूला नंबर 2 यही है बिकॉज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से हम पता कर सकते हैं, इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 इंटू 154 जो आपको यहाँ पे दिया है, 154 कहाँ ले जाना है आपको? 154 ले जाना है आपको यहाँ पे, ओके। नाउ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आपको जो दिया है, ओके, 16 वो आपको यहाँ लाना है, ओके, नाउ 51 वो भी आपको यहाँ लाना है, गॉट इट, क्लियर। अब ये ऊपर की चीज़ें सारी क्लियर हो गई, अब हम नीचे की चीज़ें सेटअप करेंगे। तो नीचे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको जो दिया है 52 वो आपको यहाँ रखना है,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, वहाँ पे 471 वो भी आपको यहाँ पे रखना है। ये जो 16 है उसका स्क्वायर है यहाँ नीचे रखना है, 51 है उसका स्क्वायर यहाँ पे नीचे रखना है माइनस में, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला के हिसाब से ही आप आगे सम्स कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? नाउ अब हम सीधा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन और वो हो रहा है 6 into 154 का जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है कि 924, और इन दोनों का भी कितना हो रहा है 816। ओके, नाउ नीचे ये इन दोनों का क्या हो रहा है, फॉर्मूला लगा के 312, और इन दोनों का जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है 2826 हो रहा है यहाँ पे। ओके, 16 का स्क्वायर होगा 256 और 51 का स्क्वायर होगा 2601। गॉट इट? नाउ अब हम थोड़ा नीचे उतरेंगे तो ऊपर तो जो आपका माइनस है वो क्या होगा 108 हो जाएगा। नाउ 56 नाउ जो 56 है ओके उसका रूट निकालेंगे तो डिफरेंट रूट निकलेगा, बट यहाँ पे 56 into 225 दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट में आएगा 12600, और 12600 का आप रूट निकालेंगे तो 112.25 आएगा। सो 108 डिवाइडेड बाई 112.25 आपको मिलेगा 0.96। और ऑलवेज मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नीचे की जो वैल्यू है ना, नीचे की वैल्यू आप कोई भी सम ले लो, चैप्टर नंबर 2 का कोई भी सम ले लो, ये वैल्यू ज़्यादा होगी ऊपर वाली वैल्यू से, इसीलिए आंसर आपका बिलो टू 1 आ रहा है। ओके, यानी रिग्रेशंस लीनियर का हम जो चैप्टर कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशंस का, लीनियर का तो लीनियर चैप्टर करने के हिसाब से ओके हमें जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, लीनियर कोरिलेशन से हमें आंसर मिलेगा बिटवीन 0 to 1 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा बिटवीन 0 to 1। और ये 0 to 1 मिलने का रीज़न यही है लीनियर कोरिलेशन से, कि रिग्रेशन में आंसर 1+ भी आ सकता है, बट लीनियर कोरिलेशन में जो भी आंसर है वो कितना है होगा 0 to 1, उसकी लिमिट होगी पॉइंट के एक के अंदर आंसर आने का रीज़न यही है कि नीचे वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत आशा करता हूँ कि वीडियो में बहुत हेल्पफुल आपको हुई होगी, और दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दी नीडी स्टूडेंट्स। ओके, जिनको चाहिए उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।